सो गाइज मतलब सीरियसली यार लोग यहाँ पे बस परेशान है टीजर को लेकर, ट्रेलर को लेकर के, पोस्टर्स को लेकर के। यार जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे चीज़ें दो टाइगर 3 से रिलेटेड। फैंस परेशान है, फैंस लगातार भाई मैसेज करते हैं, फैंस लगातार ट्वीट करते हैं, लगातार भिड़े हुए हैं कि यार अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा टीजर, अब आएगा टीजर रिलेटेड अपडेट, अब शायद टाइमिंग आ जाए, अब शायद टीजर का रन टाइम आ जाए, लेकिन कुछ भी चीज़ें नहीं आ रही है। फैंस बिचारे लगे पड़े। एंड ऐसे में गाइस जस्ट ना मैंने एक फोटो देखा एंड इस फोटो को देख करके लिटरली मेरी हिल गई कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब सलमान खान ये किस तरह के रोल में आ गए भाई। आप इस फोटो को देखिए गाइस, इस फोटो को देख करके आपको क्या लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है, हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार क्या सलमान भाई किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं, क्या सलमान भाई कोई मूवी लेकर के आ रहे हैं जिसके अंदर वो एक कौवारे टाइप का ड्रेस यहाँ पर गेटअप इन्होंने लिया है, क्या सीन चालू है यार। मतलब फैंस लगातार परेशान है, कई लोगों तो बिलीव भी कर ले इस चीज़ के ऊपर कि ये किसी मूवी का शूटिंग वगैरह चालू है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर कर दूँ कि ये किसी मूवी की शूटिंग का पार्ट नहीं है गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ भाई साहब एक प्रोमो का शूट सलमान भाई ने किया, ये कोई एड शूट भी नहीं है, ये एक प्रोमो का शूट है। एंड यहाँ पर इन्होंने प्रोमो शूट किया है बिग बॉस 17 के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं सलमान भाई बिग बॉस से जुड़े हुए हैं एंड बिग बॉस 17 आने वाला है। एंड यहाँ भाई साहब उसके प्रोमो को लेकर के यहाँ पर कुछ नया थीम वगैरह, इस बार बिग बॉस का हर बार थीम चेंज होते रहता है, एक बार फिर से थीम चेंज हुआ है एंड यहाँ पर उन्होंने कव्वाल का गेटअप यहाँ पर डाला हुआ है। अब ये तो क्लियर होगा, लेकिन भाई साहब यहाँ पर फैंस अभी बेचारे परेशान है कि यार टीजर भाई टीजर का क्या सीन चालू भाई, टीजर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और सिंपल सी बात है, जब से पोस्टर आया मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे टाइगर 3 को लेकर के यार। मतलब सिंपल सी यार, जो ज़बरदस्त लुक हम लोगों ने सलमान भाई का इस फोटो के अंदर देखा है ना कहीं जो एक्साइटमेंट है वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पहुँच चुकी है। हर कोई अब यहाँ पे वेट कर रहा है कि जल्दी से जल्दी हमको टीजर रिलेटेड चीज़ें दो। टीजर नहीं दे सकते, एटलीस्ट दो चार पोस्टर्स और दे दो, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जब से ये फोटो आया है भाई साहब हर कोई बस ये क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर इसके अंदर इमरान हाशमी कहाँ है भाई साहब, इमरान भाई गए कहाँ, वो तो इस मूवी के विलन है, वो बंदा किधर गया, उसको आप लोगों ने क्यों नहीं डाला। सो ये भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लोगों को देना चाहिए कुछ ना कुछ फैंस के लिए भाई साहब डाल देना चाहिए। एंड मैं पर्सनली बोलूँ तो भाई जोया और टाइगर की जोड़ी देख के तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं सलमान भाई का जो नया लुक आने वाला है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट है, बट डेफिनेटली यार कुछ और चीज़ें चाहिए यहाँ पे यार। टीजर के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं एंड टीजर को लेकर मैं आपको बता दूँ गाइस, टीजर को लेकर बातें यही निकल करके आ रही कि कुछ भी बातें नहीं हैं। सिंपल सी बात है गाइस, यहाँ पर टीजर रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अभी तक अपडेट ऑफिशियल्स द्वारा नहीं आ रहे। ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे परेशान है क्योंकि ट्रेड एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं लगा पा रहे कि टीजर कब आएगा। बट फिर भी आप एक अंदाज़ा मान के चलो कि टीजर जो है इसी महीने आएगा और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सितंबर एंडिंग से पहले आ जाए, सो कभी भी आ सकते हैं क्योंकि अपकमिंग जो कुछ दो तीन मूवीज़ हैं अभी जवान आ रहे हैं, उसके बाद में दो तीन मूवीज़ और भी आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि उनमें से किसी के साथ इसका जो टीजर वो अटैच कर दे जाए, ये भी हो सकता है सडनली यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर YRF वाले कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है और अपने बेस्ट प्रोडक्ट को जब ऑडियंस के सामने लेकर क्या रखो कि हर कोई जानता है भाई सलमान भाई YRF के मतलब भी बोलो कि सबसे बड़े बोल सकते हैं ना कि बेनिफिशियल अगर कोई पॉइंट है तो भाई साहब यहाँ पे टाइगर ही उनके लिए, और टाइगर अपने बेस्ट प्रोडक्ट को बेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है। एंड मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली लग रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं श्योर होना चाहते हैं कि वो A to Z जो भी चीज़ें टीजर के अंदर इंक्लूड करें, BGM वो सीन्स जो भी फाइटिंग जो भी अलग अलग बोलते हैं ना कि अलग अलग जो भी यहाँ पर सीन्स देखने को मिलने भाई मेरी जवान लड़का आ रही, जो भी चीज़ें हम लोग देखने को मिलने वाली है वो सारे के सारे चीज़ें ए ग्रेड होनी चाहिए, ए लेवल वाली होनी चाहिए एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि आगे आने वाले लगभग एक वीक के बाद आपको या फिर एक वीक के अंदर भी यहाँ पे आपको टीजर जो है मिल जाएगा एंड ये कहीं ना कहीं लगभग हर दूसरा बंदा बोलते हुए नजर आ रहा है। एंड मैंने कुछ लोगों से बात भी किया था सलमान खान के फैंस लोग से, तो उन लोग ने बताया कि हाँ पॉसिबिलिटीज हैं जो टीजर है वो अपने को आगे आने वाले किसी कुछ भी दिनों के अंदर मिल सकता है और 3-4 दिन 5 दिन के अंदर भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर फैंस परेशान है, लिटरली फैंस बहुत ज़्यादा परेशान। और फाइनली फैंस के पास एक ऐसी फिल्म है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा होप उनकी है, क्योंकि टाइगर 3 सलमान भाई की बेस्ट मूवीज़ होने वाली है अब तक की। एंड इस फॉर्म को हर कोई फैन फील करना चाहता है, हर कोई दूसरा फैन फील करना चाहता है, लिटरली टाइगर फ्रेंचाइज को हर कोई सपोर्ट करा, चाहे सलमान खान के फैंस की बात करिए, अक्षय कुमार के फैंस की बात करिए, शाहरुख खान के फैंस की बात करिए, हर दूसरा बंदा यहाँ पे सलमान भाई के टाइगर 3 के लिए वेट कर रहे हैं, लिटरली इस चीज़ के लिए एक्साइटमेंट है। सो लेट्स सी भाई साहब कब तक ज़बरदस्त से चीज़ें रिवील करते हैं, बट अभी के लिए कहीं ना कहीं माहौल तो बहुत तगड़ा गर्म है एंड लिटरली बहुत तगड़ा गर्म है यहाँ पर टाइगर 3 को लेकर के। लिटरली मतलब भाई ज़बरदस्त बॉल होगा, जोया प्लस टाइगर एंड इमरान हाशमी एज अ विलन,
धमाका भाई साहब धमाका हो रहा है। सो आप इस धमाके के लिए कितना एक्साइटेड प्लेस मेंट करेगा। मैं जैसे मैंने फोटो को देखा था ना, मैं भाई सच बता रहा हूँ, मेरे अभी भी दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या सीन है ये, आज चलो इसे कैसा गेटअप आ गया। आई होप कि जल्दी से जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप सभी को। बाकी ये तो बिग बॉस 17 का प्रोमो है, ये आप क्लियरिटी रखिए, कोई मूवी का शूट नहीं है और टीजर आपको जल्दी मिल जाएगा। सो बस थोड़ा पेशेंस रखो एंड ज़बरदस्त प्रोडक्ट आपके लिए आ रहा है। सीरियसली बहुत ज़बरदस्त धांसू प्रोडक्ट आने वाला है, भरोसा रखो। एंड इस बार 110% सलमान भाई बहुत बड़ी कमबैक करने वाले हैं एंड रिकॉर्ड्स मतलब ऑर्गेनिक रिकॉर्ड्स बनाएंगे, फालतू के कॉर्पोरेट बुकिंग वाले रिकॉर्ड नहीं, एक्चुअल रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो उसके लिए भी तैयार हो, देखते क्या कुछ होता है। अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। बाय।